दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने YouTube पर अपना नंबर वेरीफाइड कर रखा है, और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने YouTube पर अपना नंबर वेरीफाइड नहीं कर रखा है, क्योंकि उनको कन्फ्यूजन है आके YouTube पर मैं अपना नंबर क्यों वेरीफाइड करूँ, आके YouTube को मैं अपना नंबर क्यों दूँ। और जिन लोगों ने YouTube पर अपना नंबर वेरीफाइड कर रखा है स्टिल वो बहुत कंफ्यूज है कि आके YouTube ने हमारा नंबर क्यों लिया है, क्यों वेरीफाइड करके रखा है, अपने पास इसको स्टोर करके क्यों रखा है। और अगर आपने नंबर वेरीफाइड करने के लिए दे दिया है तो बदले में आपको YouTube क्या प्रोवाइड करा रहा है, और YouTube आपके नंबर का बाद में क्या करता है, ये सारी चीजें जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। वीडियो को अभी से लाइक कर लो यार, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर दो, क्योंकि इस तरह से काफी सारी वीडियोस इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगी जो आपको YouTube टिप्स से रिलेटेड काफी सारी वीडियोस प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों डिजिटेक सर पर आप सभी का स्वागत है, मैं मोहित पांडे, बी टेक्निकल बी मॉडर्न। दोस्तों अगर आपने अपना YouTube पर नंबर वेरीफाइड नहीं किया है तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं इम्पोर्टेंट जो कि आपको YouTube वो फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कराता है, जैसे कि आप 15 मिनट की कोई भी YouTube की वीडियो आप अपलोड नहीं कर सकते हो अपने ही चैनल पर। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो आप अपना कस्टम थंबनेल नहीं लगा सकते हो, जो वीडियो के कुछ पार्ट का थंबनेल होता है आप वही यूज़ कर सकते हो। अगर आपने पहले से अपना कोई कस्टम थंबनेल बनाकर रखा है तो अगर आप जब तक अपना मोबाइल नंबर वेरीफाइड नहीं करोगे आप अपना कस्टम थंबनेल नहीं लगा सकते हो अपनी किसी भी वीडियो में। तीसरा अगर बात करें तो आप जब नंबर को वेरीफाइड कर लेते हो तो यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग का आपको ऑप्शन देखने को भी मिल जाता है, आप लाइव भी आ सकते हो अपने चैनल पर। तो आप जब अपना नंबर वेरीफाइड कर लेते हो दोस्तों तो आपको ये तीन चीज़ें मिलती हैं, एक तो आप 15 मिनट की वीडियो अपलोड कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट में सारी चीज़ें दिख रही हैं कि 15 मिनट तक आप वीडियो अपलोड कर सकते हो अगर आप अपना नंबर वेरीफाइड करके रखे हो, आप अपना कस्टम थंबनेल भी लगा सकते हो, इसके साथ साथ में आप लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हो। यहाँ पर YouTube की पॉलिसी का स्क्रीनशॉट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर आपको अगर आप अपना नंबर वेरीफाइड करते हो तो ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। अगर आपने अपना नंबर वेरीफाइड नहीं कर रखा है तो ये सारी फैसिलिटीज आप बिल्कुल भूल जाइए, इसलिए आपको YouTube पर अपना नंबर वेरीफाइड करना होता है। अब अगर मैं बात करूँ कि आपके मोबाइल नंबर वेरीफाइड होने के बाद YouTube क्या करता है आपके नंबर का, तो दोस्तों स्क्रीनशॉट पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ Why does YouTube ask for my phone number, मतलब YouTube आपका फोन नंबर क्यों मांगता है, आखिर किस लिए इसको क्या जरूरत पड़ी कि आपका नंबर ये वेरीफाइड करता है। जब आपने जीमेल आईडी से अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है इसको आपके मोबाइल नंबर की जरूरत आखिर क्यों पड़ती है, तो यहाँ पर देखिए साफ लिखा हुआ है वी टेक स्पेम एंड अब्यूज सीरियसली, मतलब ये स्पेम और अब्यूज को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। यूजिंग फोन नंबर टू वेरीफाई आइडेंटिटी इज वन वे टू प्रोटेक्ट अवर कम्युनिटी एंड कम्बेट अब्यूज, तो आपका जो वेरीफाइड नंबर होता है इसके जरिए ये पता कर सकते हैं कि स्पेम या फ्रॉड अब्यूज कौन कर रहा है, इसलिए ये आपका नंबर वेरीफाइड करने के बोलते हैं। यहाँ पर आपकी सेफ्टी के लिए इन्होंने आपसे नंबर मांगा हुआ होता है, क्योंकि अगर आपको यूट्यूब पर कोई परेशान कर रहा है, कोई स्पेम अब्यूज कर रहा है, तो आप जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इसकी शिकायत करोगे यूट्यूब को भी और कानून का भी सहारा लोगे। तो यहाँ पर ये आपको कैसे पता करके बताएंगे कि आखिर आपके साथ में स्पेम या अब्यूज किसने किए, इसलिए ये नंबर वेरीफाइड करके रखते हैं और यहाँ पर आपको इजीली बता देते हैं कि आपके साथ में स्पैम किसने किया है। अब अगर बात करूं कि नंबर जब वेरीफाइड हो जाता है उसके बाद यूट्यूब क्या करता है आपके नंबर से, तो यहाँ पर आप देख सकते हो नोट में लिखा हुआ है वी डोंट सेल योर पर्सनल इन्फो टू एनीवन, मतलब YouTube का साफ कहना है कि हम किसी भी प्रकार से आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन, चाहे वो जीमेल आईडी हो, YouTube चैनल की कोई भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन हो, या आपका मोबाइल नंबर हो जो आपने वेरीफाइड करने के लिए लगाया था, हम किसी भी प्रकार से इसको किसी भी व्यक्ति से सेल नहीं कर रहे, बेच नहीं रहे, किसी के साथ भी ये चीज़ें हम साझा नहीं कर रहे हैं। YouTube ने आपका नंबर सिर्फ और सिर्फ आपकी कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए, आपकी सेफ्टी करने के लिए वहाँ पर वेरीफाइड करके रखा है, और नंबर वेरीफाइड होने की वजह से आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी YouTube पर देखने को मिलते हैं।
तो अगर अभी तक आपने अपना नंबर YouTube पर वेरीफाइड नहीं किया है तो दोस्तों मेरा मानना है कि आप अभी जाकर YouTube पर अपना नंबर वेरीफाइड करिए, क्योंकि इससे आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल जाएंगे और आपको कम्युनिटी की सेफ्टी भी मिल जाएगी कि आपके साथ में कोई स्पेम अब्यूज आपको नहीं कर सकता है। YouTube का यह फीचर बहुत ही प्यारा है। अगर दोस्तों आपको नहीं पता है कि अपना YouTube नंबर किस तरह से वेरीफाइड करना है तो आप कॉमेंट बॉक्स में लिख कर बोल दो, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन सी ऐसी सेटिंग्स हैं जो YouTube के लिए जरूरी होती हैं और किस तरह से नंबर वेरीफाइड करना होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है हमारे चैनल की सारी तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए कि हमारी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।